राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं? दुआ करते हैं सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं दोस्तों। और ये हमारी दाल में तड़का लग रहा है अब अच्छे से। पता नहीं क्या हो गया, हमारा दूसरा चूल्हा बड़ा वाला सही नहीं जल रहा है दोस्तों। पता नहीं क्या हो गया है, ये दाल हमारी जल गई है। दाल हमारी उबल गई है दोस्तों, बस तड़का लगाना बाकी है। चूल्हे सारे ऐसे मंदे मंदे जल रहे, पता नहीं क्या। और दोस्तों सबके लिए हैप्पी दीपावली। ये दूसरा ब्लॉग है मेरा, सबके लिए धनतेरस की भी शुभकामनाएं। सबके त्यौहार अच्छे मने, दीपावली अच्छी मने। और दोस्तों बच्चों को ज़्यादा बड़े पटाखे ला के ना दें, मिठाइयों से और अच्छे गिफ्ट से देकर अपने बच्चों के साथ दीपावली मनाएं बढ़िया से। खुशियां भरा त्यौहार आए सबका, सब अपने परिवार में इकट्ठे रहें। और दोस्तों यही है हमारी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और दोस्तों क्या बताएं, हमारे ब्लॉग आजकल कम हो गए लेकिन अब हम डाला करेंगे जल्दी जल्दी ब्लॉग, क्योंकि हमारा फ़ोन भी टूट गया था और पहला फ़ोन में नहीं बन पा रहे थे, इसमें बनाया करेंगे बड़े ब्लॉग। दोस्तों कमेंट लाइक किया करना, शेयर किया करो, और जो नए हैं हमारे ब्लॉग में सब्सक्राइब करना। और दोस्तों और क्या बताएं, इतने हम ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, अपने यूट्यूब बनाते हैं हम। क्या दोस्तों कोशिश करते रहो, क्या पता भगवान कामयाबी दे दे। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना दोस्तों, ये थोड़ी है कि जो चीज़ नहीं है हमारे पास तो हम उसके लिए बैठ जाएंगे, नहीं कभी नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करते रहो और साथ तो ऊपर वाला देता है ना, अगर उसकी मर्जी है हमारा अच्छा करने की तो वो ज़रूर करेगा। आप अपना कर्म करते रहो दोस्तों, और कहते हैं ना कर्म का फल भगवान देता है। अपने कर्म अच्छे रखो और कर्म अच्छा करो, कोशिश करते रहो, कोशिश जारी रहनी चाहिए, कभी अपने कदम पीछे मत करो। कोई बात नहीं, हम बुड्ढे हो गए तो क्या, अरे घर की चीज़ें दिखाओ, एजेड लोग क्या क्या बातें कमाते नहीं हैं। हम अपने वीडियो के द्वारा लगे रहते हैं, घर का काम दिखाते हैं अपना, जो घर में चल रहा है वही दिखाते रहो। अब हम बाहर के लायक तो हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि घर कौन संभाले। तो पहले था दोस्तों पार्लर, तो थोड़ा जान थी शरीर में, जवान थे तो घर का भी और बाहर का भी सारा ही कुछ करते थे। अब लेकिन दोस्तों उतना नहीं हो पाता है, थोड़ी तबीयत भी ऐसी रहती है, इसीलिए अब थोड़ा पार्लर हमारा बंद हो गया। और अब बेटी होती दोस्तों तो थोड़ी हेल्प हो जाती, बेटा है बहू आ जाएगी तो देखेंगे, तो अभी खुद ही लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कुछ हो जाए, लगे रहते हैं दोस्तों। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया है दाल का अच्छे से। आज मैंने कहा लाओ दिखाई दें थोड़ा सा, बना दें एक ब्लॉक दोस्तों। और ये मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल कट गया, कुछ चटक गया है मसाला। और दोस्तों अब हम इसमें अपनी दाल डाल देंगे। ये हमारी दाल तैयार हो गई है दोस्तों, थोड़ी गाढ़ी बनाइए। हमारी दाल तैयार हो गई और थोड़ा सा और इसमें खदका आ जाए,
खदक जाए दोस्तों, फिर इसको बंद करके फिर आप रोटी बना देंगे। चूल्हा बहुत कम जल रहा है, इसको जलाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, आएगा संभालने वाला चूल्हा तो उससे ठीक कराएंगे। एक बुढ़ा आता है वो कर जाता है ठीक, पहले भी उसी ने सही कराता है। पता नहीं, जितनी कहते हैं ना आजकल जितनी मॉडल चीज चल रही है ना उतनी जल्दी खराब होती हैं। पहले हमारा बढ़िया चूल्हा था, ये लिया जब से ऑटोमेटिक तो सारे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, महंगे भी आते हैं और वो सही भी नहीं रहते फिर। चलो दोस्तों, और अब हम रोटी बनाते हैं दोस्तों। और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। रिक्वेस्टली बोल रही हूँ आपसे, हमारी वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसा बना है दोस्तों। बाय।